हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम बनाते हैं छोलिया पनीर की सब्जी। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। अब मैं इसमें सबसे पहले ऐड करूंगी शाही जीरा और उसे चटकने दूंगी। ये 1 टेबलस्पून के अराउंड मैंने शाही जीरा इसमें ऐड कर दिया है और इसको चटकने दे रहे हैं। साथ ही मैं इसमें हींग ऐड करूंगी थोड़ी सी, बिल्कुल अ पिंच ऑफ हींग मैं इसमें ऐड करूंगी। अब देखिए आपको चटकने की आवाज आ रही होगी। ये हमारे चटक चुके हैं। साथ ही मैंने 2 प्याज लिए हैं और उन्हें फाइनली चॉप कर लिया छोटा छोटा। अब उसको भी इसमें ऐड कर दूंगी। ऐड कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स करके प्याजों को अब हम भूनेंगे। जब तक थोड़े थोड़े ब्राउन कलर के नहीं हो जाते, प्याज को हम कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे और भूनेंगे फुल गैस पे। जैसे कि आप देख सकते हो प्याज कितने अच्छे से भून गई है। अब मैं इसमें गार्लिक, अदरक और ग्रीन चिली की पेस्ट ऐड कर दूंगी अराउंड 1 टेबल स्पून और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और थोड़ा सा अच्छे से इसे और भूनेंगे। उसके बाद नमक मिर्च मसाले ऐड करेंगे। प्याज हमारी भून गई है। अब इसमें हम नमक मिर्च मसाले ऐड करेंगे। तो मैं इसमें सेंधा नमक डालूंगी अप्रॉक्स 1 टेबल स्पून। आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। थोड़ी सी हल्दी और 1/2 टेबल स्पून के अराउंड लाल मिर्च और अच्छे से मिक्स कर लें। लो ऑयल रेसिपी बना रही हूँ मैं। टोमेटोज इसमें मैं ऐड नहीं करूँगी, आप चाहें तो कर सकते हैं इसमें टोमेटोज ऐड। अब मसाला डाला है, इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और साथ ही 1 टेबल स्पून के अराउंड अमचूर ऐड करूँगी इसमें मैं और इसको अच्छे से भूनने देंगे। नमक मिर्च मसाले इसमें अच्छे से ऐड हो गए हैं। अब थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी ताकि सब आपस में एकदम से मिक्स हो जाए और डिजॉल्व हो जाए। गैस को हम मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि मसाला और नमक मिर्च मसाला और प्याज अच्छे से डिजॉल्व हो गए आपस में। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून के अराउंड धनिया पाउडर स्प्रिंकल करूंगी और उसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसको भी हम अच्छे से भूनने देंगे लगभग 2 to 3 मिनट्स ताकि सब मसाले और अनियन का मसाला जो है आपस में एक दूसरे के साथ डिजॉल्व हो जाए। अब हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब इसमें मैं ऐड करूंगी छोलिया जो कि मैंने ऑलरेडी धो के भिगो के रखा हुआ था। आपको तो पता ही है छोलिया जो बाहर से छिल छिला के आता है, हम लोग तो छिला हुआ ही लाते हैं। शायद आप घर पे छीलते होंगे, बिकॉज मुझे छोलिया छीलना बहुत मुश्किल लगता है। तब मैं छोलिया इसमें ऐड कर रही हूँ। गैस हम फुल कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखिए अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे लाने के बाद फ्रीजर में रख दिया था तो थोड़ा सा जम गया है। हाँ, और एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि वीडियो बनाते वक्त शायद आपको थोड़ा सा ब्लैक बीच में दिख रहा होगा जो कि मेरे फ़ोन की शैडो है, बिकॉज मैं फ़ोन से शूट कर रही हूँ। और आपको पता ही है एक हाथ से वीडियो बनाना और दूसरे हाथ से कुकिंग एसेंशियल्स बीच में डालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो छोलिया थोड़ा थोड़ा भून लिया है मैंने, मतलब भून लिया थोड़ा थोड़ा मसाले के अंदर। ठीक है, अब मैं इसमें चीज़ ऐड करूँगी। ये 200 ग्राम के आसपास चीज़ है जो मैंने ऑलरेडी चॉप करके रखा है। अब मैं इसे इसमें ऐड करूँगी। और मिक्स कर दूँगी इसको अच्छे से। ये देखिए, वैसे तो मैं कम पानी वाला बनाऊंगी, आप चाहें तो आप ज़्यादा पानी वाला भी ये बना सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा 1/2 ग्लास के अराउंड इसमें पानी ऐड करूंगी और मिक्स कर दूंगी। ये देखिए गैस मैंने फुल पे ही रखा हुआ है। अब मैं कुकर की लिड लगा दूंगी और 3 विसल्स आने तक वेट करूंगी। चलिए आइए कुकर की लिड लगाते हैं। अब हम 3 विसल्स आने तक वेट करेंगे और फिर गैस को बंद कर देंगे, फिर देखते हैं कैसा बना है सब्जी को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 3 सीटी के बाद कुकर खोला है
छोलिया पनीर की सब्जी हमारी रेडी है। अब इस पे थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करूँगी जो ऑलरेडी मेरे पास चॉप्ड है और मैंने सुखा के वॉश करके रखा हुआ है उसे। इसे मिक्स कर दूँगी अच्छे से, प्लस में अब थोड़ा सा गर्म मसाला डालूँगी। ये पंजाबी गर्म मसाला है, इसको अच्छे से स्प्रिंकल करके मिक्स कर दूँगी और 5 मिनट तक मीडियम गैस पे इसको कुक होने दूंगी ताकि इसमें फ्रेग्रेंस और ये सब जो है धनिया डिसॉल्व हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी हमारी रेडी है, बहुत अच्छे से कुक हुई है। छोलिया और पनीर देखिए कितना टेस्टी और यमी लग रहा है, फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी आ रही है। आई नो आप भी ये सब बनाते होंगे, बट एक बार मेरे स्टाइल से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये। अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा ताकि और भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकें। लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने ये रेसिपी ट्राई की तो आपको कैसी लगी, प्लस में सब्सक्राइब कीजिएगा तक, और पास ही में एक बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।